एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे और यहाँ पे चेक करो रोबरी प्रैंक। और यार ये थंबनेल देख के, सिर्फ थंबनेल देख के कोई भी यहाँ पे ना एक्सपोज कर देगा कि यार ये स्क्रिप्टेड प्रैंक है। वो चेक करो, उन्होंने जो पिस्तौले पकड़ी हुई है उन पे यार वो रोटियां लपेटने वाला पोना लपेटा हुआ है, क्योंकि यार वीडियो जो है वो YouTube पे डाल दिया और YouTube पर कोई पिस्तौले आएंगी उससे तो मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगी। समझ रहे हो ना। इवन ये नीचे चेक करो, इस तरह से तीर लगा के बताना पड़ रहा है एक गन। वेरी नाइस। अभी वैसे भी लोग आए, कोई 50 मिनट भी नहीं हुए, हम एक्सपोज बना रहे हैं। वेरी नाइस नाइस। लेट्स सी। अगर 15,000 का इस कमेंट आ गया ना तो मैं आप लोगों के लिए, यार ये किसी एंगल से लड़की लगती नहीं है, मैं करूंगी। और कोई 5-6 महीने है, इसने ना मुछे रख लेनी है, फुल वट दे आगन। शेव की थी? नहीं। कहाँ पे है? अच्छा वो पुरानी कोई बात होगी। ओके प्रैंक कटर लगाऊं, पूरी जिंदगी याद रखेंगे। यार ये ऐसा क्यों है कि, अच्छा रोबरी प्रैंक होता तो ये इसके चैनल पे आता। क्या नाम है इसका? अरीब। वैसे यार इस बंदे की भी क्या ही पर्सनैलिटी है, इसे लोग इसकी बीवी के नाम से जानते हैं। जो इसने प्रैंक करना है ना, वो भी एक तरह का मोबाइल लेके उसमें रिकॉर्ड कर रहा है। वेरी नाइस। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कल जो है अम्मा को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया था। अच्छा। उसके बाद दिल ही नहीं किया मेरा अपना उठने का। यार मेरा दिल चाहता बस सोती रहूं। बस इतना भी नहीं सोना, पक्की ना सो जी। अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे बुलाके ले गया है चाची। वो जाके उसे बता रही हो, बाहर आ चाची शुरू हो गई हो। वो भी छोटा बच्चा है ना, उसे समझ नहीं आई, उसे लगा कि चाची को पता नहीं दौरा पै गया। कली गल्ला करी जांदी फोन दे नाल। उसको पता पानी फंस गया कि स्पेशल इसका ग्लास में पानी फंस गया। सुनो वीडियो में आगे बाद में बढ़ते हैं, सबसे पहले आप करें हमारी वेबसाइट का दीदार cheezy.pk। यहाँ पे आपको जरूरत है जिंदगी की सारी अशियाज मिल जाएंगी, एयरपोर्ट हेडफोन वॉच स्मार्ट वॉचेस हैंड फ्री और स्पीकर वगैरह। बाकी इसके अलावा ना आप लोग पूछ रहे थे कि बेस्ट एयरपोर्ट्स कौन से है, तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाले एयरपोर्ट्स। ये लगे हुए ये वाले एयरपोर्ट्स, यार बहुत ही कमाल के इनकी साउंड है। इसके अलावा हमारे पास ना एयरपोर्ट प्रो 2 भी है, विद ANC विदाउट ANC सारे पड़े हुए हैं, पर साउंड के हवाले से वो बहुत जबरदस्त। और उसकी एक और बेस्ट बात, एक तो इसकी पैकिंग बड़ी सेक्सी है, और ऊपर से चेक करो इसमें आपको सिलिकॉन कवर मिल जाता है, डोरी मिल जाती है, एयरपोर्ट तो हो गई सारी बात है। और सबसे स्पेशल बात, साउंड बहुत जबरदस्त है। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में cheezy.pk का लिंक लो और जल्दी से बाय करो। कितों है ये? पानी फंस गया। लो जी नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चलते नीचे भाई, सारे हम तीनों इधर बैठे हुए, भाभी लेफ्ट और भाभी नीचे। वाह, घर से ऊपर, घर से नीचे, घर से इधर, घर से वॉशरूम जाने का भी विलोग होता है। चलेगी गाइस, हम चलते हैं नीचे। वो गाइस जो है वो समझ लेते होंगे, पता नहीं मरी चली नारायण का कहां चली, पर नहीं वो नीचे जा रही है। भाभी तो भाई के लिए पराठा बना रही है। मैं बताऊं, अबे जब तू काम पे जाएगा वो वहां पे घर पे रहेगा, खाना बनाएगी। वो बेचारी तो वहां पे अपनी रोजी रोटी पूरी कर रही है, खाना तू आप ही खाना खुना बेटा। मोग छोड़, मैं ना मुझे काम आ गया, मुझे सिर्फ 15 मिनट दो, तुम लोग जाके दही भले से ले आओ। अच्छा, 15 मिनट में होके आ रहा हूँ। सही है। अब ये कैमरा उसके पास पता नहीं कैसे चले जाएगा। प्लीज अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे, सांस लेना मुश्किल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यार। इतनी भी मेरे ख्याल से लाहौर में कोई हालत खराब नहीं जितनी ये रिएक्ट कर रही है। कि आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, और आज मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग में कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ इकरा को ये था कि इकरा को मैंने किसी तरह इन लोगों को घर से निकालना था, और मैंने फिर आप लोगों को बताना था कि आज का मेरा प्लान क्या है। याद है आप लोगों को, इन लोगों ने मेरे साथ किया था, मेरी शेव की थी भाई और इकरा ने मिलके। मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था मैं चीज का लूंगा रिवेंज, और आप लोगों ने इतने कमेंट किए थे कि ये भाई रिवेंज ले। तो भाई हाँ जी, टोटल 15 कमेंट आए थे रिवेंज के। भाई रिवेंज लेता है तो ऐसा रिवेंज लेता है कि पूरी जिंदगी ये लोग याद रखते हैं, जैसे मैंने एक्सीडेंट प्रैंक किया था इकरा के साथ। हाँ जी, वो भी देखा था, बहुत बुरा था माशाल्लाह। कि मैंने रोबरी प्रैंक करना है इन तीनों के साथ। अच्छा। फिर मैंने डाकू बुलवाने हैं, यानी कि वो लोग होंगे जो मैं जानता हूँ, उनको मैं समझाऊंगा सारा। वो लोग रास्ते में, वो लोग आ रहे हैं, उनसे
ये इनकी प्लानिंग हो गई। अब जरा कैमरे का चेक कर ले, कैमरे कहाँ पे छुपाते हैं। लो भी इकरा आ गई है घर पे, नाक कवर कर लो जी। ठीक हो गए, घर में आ गए हैं। सोच रही हूँ हम लोग प्रॉपर मूवी। ओके वो अभी भी मोबाइल क्या वो ब्लॉग बना रही है यार। ये क्या बात हुई, मैंने तो देखना था कि यार बताएंगे कि मैं यहाँ यहाँ पे कैमरा छुपा रहा हूँ, वो बताया ही नहीं। अच्छा यार वो कौन से डाकू शाकू होते हैं जो कपड़े के अंदर इस तरह से ना बंदूक छुपा के लगे होते हैं। बात सही है। और इधर वाले को चेक करो, उसने अपनी बंदूक को पूरा दस्ताना शताना पहनाया हुआ है। की मतलब बंदूक नु डंड लगन दी। वो व्लॉग बना रही थी अभी भी, उसकी लाइट चल रही थी, उसके हाथ से छीन के दे रहा है मोबाइल। हाँ हाँ इधर ही पड़े, एक आपके बिल्कुल सामने यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है यार, आपको नजर ही नहीं आ रहा। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। नहीं पैसे नहीं है यार, पैसे नहीं है कि पैसे नहीं है, जल्दी करो तुम। पैसे कहाँ नहीं है कि पैसे कहाँ कौन रखता है। जल्दी 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 कुछ भी होता यार। ये तो सही एक्टिंग कर ही नहीं रही इकरा, वो तो आराम से बैठी। A few moments later. अपने व्लॉग के चक्कर में बच्चे डरते हैं, बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो पढ़े कोई मसला नहीं, व्लॉग चलना चाहिए, प्रैंक चलने चाहिए। वैसे इस तरह का कोई सीन हो जाए ना पाकिस्तान में तो वो खप पाई होती है, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे इस तरह के वाक्य से काफी अरसा ट्रॉमाटाइज्ड रहते हैं और अब खुद लगे हैं। की चाहिए चपेड़ मार के दस नु की चाहिए। अद्धा घंटा हो गया पैसे तो कह दिया, जैज कैश भेज दे, नहीं आया था यार तेरे को। अच्छा वो भी एडे थके एक्टर है यार, उन्हें को मंगी जाने तुसी केड़ा रोड ते फड़े हो, कमरे शमरे चेक ही नहीं कीते। मैं नहीं मानता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वो मोबाइल भी पड़ा हो गया यार, ये सामने। हेलो भाई इधर वेख, हेलो ओ अन्ने आ, ये इधर वेख, इधर सामने भी एक लगा हुआ है। जल्दी यार, ये डर ही नहीं रही, ये एक्टिंग तो सही करे, फिर रोए रोए पता लगे। ये चेक करना यहाँ पे कहना, मैं तेरे गोली मारनी। वो इदा केड़ी गोली बजदी एक्टिंग है। वो कहता तेरे गोली मारनी। यार वो तीसरा एक और था इनके साथ, वो वाला चोर किधर है। प्रैंक हो गया। वो यार शुरू से उसकी एक्टिंग पूरी थी, उसने किया एक्सपोज करना। ओके। दिस इज कॉल्ड रिवेंज। ओए दिस इज कॉल्ड शेविंग रिवेंज। रोक रहियो, पैसे मिलेंगे इसलिए। क्या प्रैंक नहीं था, आइंदा के बाद ना वो समझ के पंगा लेना। ओए ओए ठीक है, मैं लेके आऊंगी प्रैंक। लव वी नेक्स्ट प्रैंक की भी प्लानिंग हो गई है। ठीक है, प्रैंक क्या होता है रीम, आपने मेरा दिल। एक मिनट उनको ले आऊं, वो लोग परेशान हो गए। हेलो यार मेरे कार वाले तरह का रोल लग गए यार, छा गए। वो कहता मैं तेरे गोली मारती गोली यार छट भी मारनी। गुर्दा जिगर मैदा सब इकट्ठे होके मैं यूं सुनती। अच्छा लाइट होने, मैंने कहा लगते हाथ ना इनकी वीडियो बना लेती हूँ चोरों की। बंद तो रही थी यार, आपने क्यों बनानी थी। गुस्से से कहा कि जाके बैठो, वो मतलब मार देंगे, तो मैं फटाफट जाके सोफे पे बैठी हूँ ना, कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ किसी तरह तो मैं चोरों को पकड़ने में किसी तरह से कंटेंट बन जाए, जो वो अगर लेके भी जाए तो वो रिकवर हो जाए। बात तो सही है। अच्छा वो यार उस मोबाइल से उनकी वीडियो बना रही थी जो इसके हाथ में था, और पता भी है अगर वो असली चोर भी होते वो उन्होंने ले जाना था साथ ही, और वो उस मोबाइल से उसकी वीडियो बना रही है। नाइस।
की एक लोहार की, इसको कहते हैं तीनों के। और बड़ी बात, अगर उनको पता चल जाता कि ये वीडियो बना रही थी तो इसके हिस्से की ये जो अरीब नु पैड़िया सी जो बदला लिया ना, ये आपकी सोच है। ओए होए, आपने ना मेरे अंदर के रिवेंजर को लटका दिया। ओए होए, बिग चैलेंज हो गए हैं भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर कोई प्रैंक आ रहा है। चार पांच दिन रिहर्सल किए इस चीज की, और वो कह रहा था मैं तेरे गोली मार देनी। जब मैं करता हूँ ना प्रैंक, फिर ऐसा करता हूँ, फिर अगले तरह निकाल देते हैं। पहला एक्सीडेंट वाला, दूसरा ये, समझ के। दोनों में रुलाया ना मुझे, काम पूरी। वो बहुत रुलाता है, अरे बहुत रुलाता है। वो बदतमीज हो गई है ना, तो बात के बाद ना मेरे से बात ना करना, समझ आई है। मैं आपसे नाराज हूँ, मैं इस ब्लॉग को यही फ्रेंड कर रही हूँ। चलो ये चलो, पहुंचो पहुंचो, एडिट करो और यूट्यूब पे डालो। बल्कि डाल दिया है। तो भाई जन मेहरबान कदरदान, इधर करो ध्यान। कैसा लगा यार आपको व्लॉग? ओए ओए, कैसा लगा आपको ये प्रैंक? इतना खौफ ना, कोई डर डर गए होंगे हैं? कोई पानी शानी पी लो, बहुत डर गए होंगे इस तरह का प्रैंक देख के ना। बाकी नीचे कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों यार मोहब्बत से लेके साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही यार, व्हाट द यक इज दिस मैन, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो शुक्रिया मोहब्बत को, जाते करो, अब तक शुक्रिया प्यार का, इशारा का, इकरार का, आपका, आपके दरबार का। यदि आज की वीडियो आप समझते चलो नेक्स्ट वीडियो में।